हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूँ दीक्षा। मैं आज आपके लेके आई हूँ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता दूँ। जो भी ये पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको हमारे एमपीपीसीएस 2019 प्रीलिम्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको जीके मिलेगा और साथ ही में आपको जीएस और सी सेट दोनों के ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। उसका जो एक्सप्लेनेशंस होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही में पिछले कुछ सालों का एमपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको कम्प्लीट स्टडी मटीरियल मिलेगा, तो आप ये ज़रूर ज्वाइन करिए। और जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब इसमें जो हमारे स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पांच ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है जो कर्क रेखा है वो नेपाल से होते हुए पास होती है, वहाँ से होके गुजरती है। तो देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है कि पाँच स्टेट्स के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए, ओनली वन। 110 आर्टिकल के अंदर कौन मनी बिल इंडोर्स करता है, किसको ये पावर दी गई है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंडिया अपना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है किशन गंगा पे। ठीक है, तो जो किशन गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? इंडस, झेलम, चेनाब या रावी? आंसर है सी, चेनाब। इसमें देखिए स्टेट्स दिए गए हैं और साथ ही में उनका नेशनल पार्क दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन गलत तरह से मैच्ड है। ब्लैकबक नेशनल पार्क राजस्थान, पिन वैली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा। तो इसमें जो ब्लैकबक नेशनल पार्क है राजस्थान बोला गया, तो ये गलत है, ये है गुजरात में। ठीक है, ना कि राजस्थान में। और दूसरा, पिन वैली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे। तो देखिए, पहला और दूसरा विकल्प हमारा गलत है, तो आंसर है सी। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? आंसर है हॉकी, बी। ये जो कैडी टर्म है ये कौन से खेल में यूज़ किया जाता है? ब्रिज, बैडमिंटन, गोल्फ या हॉकी? तो उसका आंसर है सी, गोल्फ। ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 मार्च, 22 मार्च या 22 अप्रैल? आंसर है 24 मार्च, आंसर है बी। जोरवे कल्चर जो है ये चालकुलेती कल्चर साइट है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर? आंसर है ए, महाराष्ट्र। अचरंग सूत्र जो है ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म? आंसर है ए, जैनिज्म। तो जो अचारंग सूत्र है इसमें महावीर जो है उनकी फिलोसफिकल टीचिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, और बुद्धिज़्म है जो गौतम बुद्धा थे उनकी फिलोसफिकल टीचिंग से कौन क्या रिलेटेड है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे हमें पहचानना है, हमें स्टेटमेंट्स दी गई है पहचानना है इसमें कौन से वेटलैंड के बारे में, कौन से लेक के बारे में बात करी गई है। ये सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का। ठीक है, ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये पहला ऐसा साइट है जो वेटलैंड इंटरनेशनल में डाला गया था। ठीक है, रामसर वेटलैंड में। और ये लेक में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, रेणुका लेक, चिलिका लेक, कोलेरो लेक या सांबर लेक? तो आंसर है बी, चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 में, कराची सेशन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, या 1929 के लाहौर सेशन में? तो देखिए, सबसे पहले 1934 में जो एमएन रॉय थे उन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था, तो उसके बाद 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड रखी थी। तो आंसर है ए। इनमें से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है? ह्यूमन लेबर, लैंड, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? तो देखिए, ह्यूमन लेबर तो आता है, लैंड भूमि भी आता है, ठीक है, कैपिटल गुड्स भी आता है, बट जो कंज्यूमर गुड्स है वो नहीं आता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, ये कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, तो ये फैक्टर प्रोडक्शन में कोई काम नहीं आ रहा है, तो उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते। तो 1, 2, 4, तो आंसर है डी। इनमें से देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड कर्जन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, एल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। तो इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर है इसका बी। जो वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में नहीं आया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में आया था। जहाँ पे गर्म और ठंडे करेंट्स मिलते हैं, उनका मिश्रण होता है, तो वहाँ पे प्लैंकटन्स की ग्रोथ होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि वो सी सरफेस जो पानी है उसके टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है, ये उसमें सनलाइट की सनलाइट जो होती है वो उसकी वो इंक्रीज़ हो जाती है और प्लैंकटन्स को हेल्प करती है, ये इट रेजेस सी वाटर लेवल फैसिलिटिंग देयर ग्रोथ, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है। इसमें ऐसा होता है कि जब इन दोनों पानी का मिश्रण होता है तो वहाँ पे उससे क्या होता है, जो अंदर का सबसे नीचे की जो लेयर होती है पानी की जिसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो वो प्लैंकटन की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का जिसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमारे पेड ग्रुप अब ज्वाइन कर सकता है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रीएम्बल जो है, ठीक है, उससे देखना है कि क्या सही स्टेटमेंट है। जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, और प्रीएम्बल जो है वो लेजिस्लेचर का सोर्स ऑफ पावर नहीं है। तो देखिए, जो पहला विकल्प है हमारा गलत है, क्योंकि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला जाता है, ठीक है, और ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, गैर न्याय संगत है, और दूसरा है ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, तो ये कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है लेजिस्लेचर को, तो इसीलिए ये विकल्प भी हमारा गलत, ये हमारा विकल्प सही है, दूसरा भी सही है, तो 2 और 3 सही आंसर है सी। इनमें से देखना है ये मूवमेंट देखना है और इनको मैच करना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ए का 2 हो गया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, बी का 3 हो गया। खेड़ा सत्याग्रह को पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मास स्ट्राइक, ठीक है, तो इसका आंसर है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, आंसर है सी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान के संशोधन से के संबंध में स्टेटमेंट देखना कौन सा सही है, ठीक है। इसको ये जो संशोधन बिल होता है ये कोई ये लोकसभा में शुरू होता है, ठीक है, और दोनों हाउस की इसमें इक्वल पावर है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है, मतलब दोनों ही इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो भी, मतलब दोनों की इक्वल पावर है लोकसभा राज्यसभा की। एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, मतलब कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करा जा सकता है, यहाँ तक कि प्रीएम्बल को भी बदला जा सकता है, बट यहाँ पे बोला सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बट कुछ कंडीशंस है। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट ऐड हो गया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, तो इसकी बात सही है, प्रीएम्बल को हम बदल सकते हैं। जैसे प्रीएम्बल एक बार चेंज किया गया था, इसमें चेंजेस आए थे जब 3 वर्ड ऐड हुए थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो लोअर हाउस में ही नहीं इनिशिएट होता, उसको राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। 2 और 3 सही है, आंसर है सी।
सर्दियों में जो वर्षा होती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उसका रीज़न क्या होता है कि वो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मॉनसूनल होती है, या साइक्लोनिक होती है? तो देखिए, वो होती है चक्रवाती, आंसर है डी। ठीक है, रीज़न है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से विंटर रेनफॉल होती है। ठीक है, चाइना के साथ कौन से स्टेट से जो सीमा साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, जम्मू कश्मीर तो है, सिक्किम भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश भी है, तो चारों ही सही है। तो आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। पिट्स इंडिया एक्ट जो है था, उसके संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है। ये जो एक्ट था, इसने बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके सबॉर्डिनेट कर दिया था। इसने पहला सुप्रीम कोर्ट शुरू किया था कलकत्ता में, और इसके तहत एक नई बॉडी बनी थी जिसको बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट थे गलत है, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू नहीं आया था। वो कौन से एक्ट के थ्रू आया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई बॉडी शुरू की थी वो इस एक्ट के अंदर आई थी। तो इसमें बस 3 ही कथन सही है, तो आंसर है सी, ओनली 3। बुग्याल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? बुग्याल्स कोई ट्राइब्स है, ठीक है, जो विंटर्स में ग्रासलैंड से माइग्रेट करती हैं। बुग्याल्स हायर रीचेस में समर ग्रासलैंड से, बुग्याल्स ऐसी जनजाति है जो समर्स में ग्रासलैंड से माइग्रेट करती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है, ये एक समर ग्रासलैंड है जहाँ पे हायर रीचेस ऑफ हिमालयस उत्तराखंड और हिमाचल में, स्पेशली उत्तराखंड में, और यहाँ पे एक ट्राइब्स होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे माइग्रेट करती है। तो आंसर है बी। ऋग्वेदिक कंटेक्स्ट में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो भजन है उनको सूक्त कहा जाता है, और इनको नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में कंपोज किया गया था। इन ये लिखा गया था इंस्टेड ऑफ रिसाइटेड एंड हर्ड, ठीक है। उसमें मैक्सिमम जो भजन है वो इंद्र, सोम और अग्नि को के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला है कि इनको सूक्त कहते हैं, ये सही है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंपोज किए गए थे, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, क्योंकि ये लिखे नहीं गए थे, ये काफ़ी सालों बाद, कितनी सेंचुरीज बाद इनको लिखा गया था। तो ये मोस्टली रिसाइटेड होते थे, मतलब लोग बोल बोल के नेक्स्ट जनरेशन में लोगों ने इसको पास किया था। और फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि इंद्र, सोम, अग्नि उस टाइम के इंपॉर्टेंट गॉड होते थे जिनके लिए ये लिखे गए थे। तो फोर्थ भी सही है, तो हमारा थर्ड गलत है। तो आंसर है 1, 2, 4, आंसर है सी। इनमें से को देखना है कौन सी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं? पेलिकन, फ्लैमिंगो, साइबेरियन क्रेन। पेलिकन भी है, फ्लैमिंगोज भी है, साइबेरियन क्रेन, ये तीनों ही जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो आंसर है इसका ए, 1, 2, 3। महलवारी सिस्टम जो था उस कंटेक्स्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ये फिक्स्ड, इसमें जो रेवेन्यू थी वो फिक्स्ड करी गई थी, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया था, परमानेंटली इसकी रेवेन्यू फिक्स कर दी गई थी। आगरा, अवध, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पंजाब और गंगेटिक प्लेन्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें देखिए कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम को परमानेंटली फिक्स्ड किया गया था, महलवारी सिस्टम को हर टाइम में इसको चेंज किया जाता था, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर है 1 एंड 3, तो आंसर है सी। मिडिवल इंडिया में जब्त सिस्टम का मतलब क्या था? रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम या बार्टर सिस्टम? तो उसका मतलब था ए, रेवेन्यू सिस्टम। जब्त सिस्टम जो है ये अकबर के टाइम में शुरू किया था, तो ये मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम। गोदावरी रिवर के कंटेक्स्ट में देखना है कौन सा सही है। ये पेनिनसुला रिवर है, पेनिनसुला रिवर की राजस्थान नदी है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र, कोयना घत्र घाट प्रभाव, मूसी और भीमस की सहायक नदियां हैं, और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो
देखिए, पहला सही है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, दूसरा भी सही है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फोर्थ भी सही है कि इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, लेकिन भीमा मूसी कोयना इसकी सहायक नदियां नहीं हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा विकल्प सही है। तो आंसर है हमारा ए, 1, 2, 4। इसमें देखना है कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, सेरीकल्चर हनी बी, विटीकल्चर ग्रेप्स का कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो देखना कौन सा गलत है। हॉर्टिकल्चर तो सही है, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स होता है। विटीकल्चर का मतलब ही यही होता है, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी सही है। लेकिन सेरीकल्चर जो है वो हनी बी से रिलेटेड नहीं है। तो पहला हमारा गलत है, सेकेंड और थर्ड सही आंसर है बी। ठीक है, सेरीकल्चर होता है अर्थ वॉर्म्स को, रेयरिंग ऑफ अर्थ वॉर्म्स, सिल्क का यूज़ करने के लिए जो अर्थ वॉर्म्स को रेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो पहला गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विरोध के बाद अपना नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेल होने के बाद, या साइमन कमीशन जब आया था तब, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है ए, जलियांवाला बाग। ब्रह्मसूत्र जो है ये 2nd सेंचुरी BC में कंपाइल की गई थी, तो इसको किसने कंपाइल किया था, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन या बद्रायन। आंसर है डी, बद्रायन। इनमें से कौन सी बुक है जो अश्वघोष ने कंपाइल की थी, बुद्धचरित्रा, सुंदरनंद, मेघदूत या रत्नावली। आंसर है ए, बुद्धचरित्र। सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो था ये है पंचायती राज से रिलेटेड, तो इसमें देखना है कौन सा अनिवार्य है। ठीक है, इसके तहत कौन सी चीज़ें अनिवार्य है, ग्राम सभा का होना, थ्री टायर सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे मेंबर्स की तीनों लेवल पे, और रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ग्राम सभा का सही है, थ्री टायर सिस्टम भी सही है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई है इसमें ये भी सही है, लेकिन इसमें SC ST और वुमेन के लिए रिजर्वेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है, लेकिन OBC के लिए अनिवार्य नहीं है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं नहीं, तो ये अनिवार्य नहीं है। तो फोर्थ रॉन्ग है, 1, 2, 3 सही है, आंसर है सी। एटीन सेवेंटीन में लॉटरी कमेटी को बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थी, फेमाइन प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर से, या टाउन प्लानिंग से। तो उसका आंसर है डी, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड थी। इसको लॉटरी कमेटी इसलिए बोला गया था क्योंकि इसमें जो भी पैसा खर्च हुआ था वो जनताओं से लिया गया था, लॉटरी सिस्टम से, मतलब पैसे इकट्ठा किए गए थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था लॉटरी कमेटी। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के संदर्भ में हमें देखना है कौन सा सही है। VD सावरकर ने युगांतर एक सोसाइटी शुरू करी थी, संध्या काल और अभिनव भारत, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरीज्म को बढ़ावा दिया था। तो देखिए, जो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, किस लिए गलत है, क्योंकि युगांतर एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, और ये जो अभिनव भारत है ये VD सावरकर ने सीक्रेट सोसाइटी शुरू करी थी, तो इसमें दोनों ही गलत है। आंसर है डी, 1 एंड 2 दोनों ही गलत हैं। अब इसमें देखना है कौन सा सही है। जो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी वो कलकत्ता से आगरा शुरू हुई थी 1853 में, और पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी बॉम्बे से ठाणे शुरू करी थी 1853 में। तो देखिए, ये दोनों विकल्प गलत है, ये ऊपर नीचे किया गया है। जो पहले रेलवे लाइन थी वो बॉम्बे टू ठाणे थी, और पहले टेलीग्राफ लाइन थी कलकत्ता टू आगरा, जो दोनों ही शुरू करी गई थी 1853 में। ठीक है, दोनों 1853 में शुरू करी गई थी। तो आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2। रहनुमाए मध्यासन सभा जो थी वो किस लिए शुरू करी गई थी, पारसीज में रिलीजियस रिफॉर्म लाने के लिए, सिख में, या मुस्लिम्स में, या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ए, पारसीज में रिलीजियस रिफॉर्म लेके आने के लिए। दर्पण जो मैगजीन थी ये
किसने शुरू करी थी? गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जांबेकर, आरजी भंडारकर, ये इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है बी, बाल शास्त्री जांबेकर। कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ट्रेड खत्म हो गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर है बी, चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेड था वो ख़त्म कर दिया था, और जो अदर कंपनीज थी उनको भी ट्रेड अलाउ कर दिया था। इनमें से बताना है कौन सी ठंडी धाराएं, महासागर धाराएं हैं जो ठंडी हैं, ठीक है? बेंगजुला करंट, अगुलास करंट, ओयाशियो करंट या हम्बोल्ट करंट। तो बेंजुला करंट है, ओयाशियो है और हम्बोल्ट है। तो 1, 3, 4 सेकंड नहीं है, तो 1, 2, 4, 1, 3, 4 आंसर है डी, और सेकंड नहीं है। के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किन किन जगहों का दीवानी ले लिया था, एक्वायर किया था, ठीक है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो तीनों का ही 1765 में, जब इलाहाबाद, दूसरी इलाहाबाद ट्रीटी साइन करी गई थी, तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों का ही दीवानी एक्वायर किया था। तो आंसर है डी, 1, 2, 3। अब इसमें हमें मैच करना है। कंट्रीज दिए हुई है और स्टॉर्म्स दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया टाइफून्स, चाइना विली विली, कैरेबियन हरिकेन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विलीज, चाइना में होता है टाइफून्स, कैरेबियन सही है हरिकेन्स। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, आंसर है बी। तो जो घूघवा फॉसिल नेशनल पार्क है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिंडोरी, दातिया, मंडला या रायसेन। आंसर ए, डिंडोरी। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को आंवला डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है? रतलम, पन्ना, छतरपुर या भिंड। आंसर है बी, पन्ना। इनमें से देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इधर की तरफ झरना दिए और एक तरफ जिले दिए हैं। राहतगढ़, सागर, रानी, छतरपुर, रजत वाटरफॉल, होशंगाबाद, पियावन, शिवपुरी। तो इसमें देखिए जो पियावन है शिवपुरी में, ये गलत दिया है। तो आंसर है डी, पियावन है रेवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? रेवा रेवा डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर है डी। मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? रोहू, महाशीर, शिम्पा, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है बी, महाशीर। इनमें से हमें थर्मल पावर प्लांट बताना है जो खंडवा जिले में है। माड़ीखेड़ा थर्मल पावर प्लांट, दादा धुनी वाले, शिप्रा या कालिदास। आंसर है बी, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट जो है वो खंडवा जिले में है। मध्य प्रदेश इनमें से कौन से मिनरल्स में रिच है? कॉपर, डायमंड, जिंक या ए और बी दोनों। तो है आंसर डी, बोथ ए एंड बी, कॉपर एंड डायमंड। ऑल इंडिया रेडियो सेवा जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू हुई थी? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। मतलब सबसे पहला ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज मध्य प्रदेश में कौन से शहर में खोला गया था? आंसर है बी, इंदौर। करेंसी प्रेस नोट करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? होशंगाबाद, देवस, नेपानगर, इंदौर। आंसर है बी, देवस। इनमें से कौन से जगह को एनर्जी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है? सिंगरौली, शाहडोल, रीवा या सागर। आंसर है
ए सिंगरौली जिले को, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसकी रैंक क्या है, ठीक है? फिफ्थ है, फोर्थ है, सिक्स्थ है या थर्ड है? तो देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी जो रैंक है मध्य प्रदेश की, वो है सिक्स। आंसर है सी। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ओपियम और एल्कलॉइड प्रोसेसिंग वर्क्स के लिए फेमस है? रतलम, मंदसौर, नीमच या शिवपुरी? आंसर है सी, नीमच। जो ओपियम और एल्कलॉइड प्रोसेसिंग वर्क्स है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। एक तो ये मध्य प्रदेश के नीमच में है, और दूसरे कौन सी जगह में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से राज्य में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे जो हमें ये स्टेटमेंट दिए, इसे पहचानना है कि कौन से ज़िले के बने बात करी गई है। यहाँ पे सब, ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केले का। ये बैंक रिवर तापी, ताप्ती रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। इट इज़ अ लार्जेस्ट हब फॉर पावर लूम इंडस्ट्री, ठीक है? पावर लूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो क्या है, इंदौर, भोपाल, खंडवा या बुरहानपुर? आंसर है डी, बुरहानपुर। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है? मांच, फूलपाती, जवारा या मटकी? मांच, ठीक है, मांच है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की, जिसमें सबसे हाईएस्ट एरिया है, जिस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है? नौरादेही, रातपानी, बगदरा या बोरी? आंसर है ए, नौरादेही। शरद जोशी अवार्ड जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, वो किस फील्ड से रिलेटेड, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? रिपोर्ट राइटिंग, हिंदी सटायर, म्यूजिक, फोक आर्ट या सोशल वर्क से रिलेटेड? आंसर है ए, रिपोर्ट राइटिंग, हिंदी सटायर। जब आप माउस के बटन को होल्ड करते हो, ठीक है, दबाए रखते हो, और साथ में किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को इधर उधर मूव करते हो कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं? मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या हाईलाइटिंग? तो आंसर है बी, उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। इनमें से कौन सा ऐसा सबसे छोटा फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसानों के ब्रेन के जैसा काम करता है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम या आईबीएम चिप्स? आंसर है बी, क्वांटम कंप्यूटर। ऐसे ये इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें दिए गए, इसमें पहचानना है कि क्या यूज़ किया जाता है जब वापस एक वेबसाइट में जाते हो, तो किससे पता चलता है कि यूज़र की, मतलब आप जब जाते हो तो कैसे पता चलेगा कि ये सेम यूज़र है? तो कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? कुकीज़ से, प्लगइन से, कैच से, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ए, कुकीज़। लिनक्स क्या है? एक जो लिनक्स जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का, ओपन सोर्स या नन ऑफ दीज? इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर है सी। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली, सर थॉमस, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ए, टिम बर्नर्स-ली। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 2018 से 19 तक के लिए किसको इलेक्ट किया गया है, उसके चेयरमैन को किसको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन? रजनीश कुमार, सुनील मेहता, माधव नायर या आर गांधी? आंसर है बी, सुनील मेहता। चौथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 का कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर, नई दिल्ली, लखनऊ या मुंबई? आंसर है सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर
जो इंडिया का और एशिया का ऐसा पहला सेंटर है, जल्दी कहाँ पे आने वाला है? भोपाल, न्यू दिल्ली, इलाहाबाद या पटना? आंसर है पटना, बिहार। कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी अपना हाइपर सोनिक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया है? अवनगार्ड, रशिया, चाइना, जर्मनी या यूएसए? आंसर ए, रशिया। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? हीमा दास, वर्षा वर्मन, नीरज चोपड़ा, संध्या अग्रवाल? आंसर है ए, हीमा दास। पांचवा वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम 2018 का कहाँ पे हुआ था? इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका या चाइना? आंसर है डी, चीन में। नोट्स ऑफ अ ड्रीम द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान, ठीक है, ये ए आर रहमान के बायोग्राफी है, ये किसने लिखी है? अनुजा चौहान, कृष्णा त्रिलोक, मृदुला बिहारी या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर है बी, कृष्णा त्रिलोक। सिलाओ खाजा कौन से स्टेट का है जिसको अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल? आंसर है बिहार। सिलाओ खाजा बिहार का है, लेकिन ये है क्या? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहा है। प्रोजेक्ट सशक्त हाल ही में न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, हॉर्टिकल्चर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ट्यूबरक्लोसिस? आंसर है ए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सफ़र इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना है यंग युवा लोगों को उनके स्टार्टअप के लिए, एयर क्वालिटी पे इंफॉर्मेशन देनी है, या पैसेंजर ट्रेन्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर है बी, एयर क्वालिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है टाइम टू टाइम, तो इसके लिए सफ़र इनिशिएटिव शुरू किया है गवर्नमेंट ने, तो आंसर है बी। कौन से डिस्ट्रिक्ट को, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है? अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर या धर? आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर में एक शहर है काथीवाड़ा, एक विलेज है, ठीक है, एक गांव है काथीवाड़ा, उसको हम चेरापूंजी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मानसून बारिश बहुत होती है, इसीलिए हम उसको चेरापूंजी बोलते हैं, है अलीराजपुर में, तो आंसर है ए। पुष्प की अभिलाषा एक पोयम है, ये किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर पारसी, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। पठानकोट वैली जो है ये एक फेमस पर्यटन स्थल है, ये कौन से ज़िले में है? शिवपुरी, पंचमढ़ी, ये कौन से जगह में है, ठीक है, शिवपुरी, पंचमढ़ी, बालाघाट या छिंदवाड़ा? आंसर है डी, छिंदवाड़ा। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कम से कम घनी आबादी वाला है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, 2011 सेंसस के हिसाब से? दातिया, उमरिया, डिंडोरी या श्योपुर? आंसर है सी, डिंडोरी। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे पहला हैंडीक्राफ्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया था? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या कटनी? आंसर है ए, इंदौर। स्पेशल कोर्ट जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है, उसके पास क्या क्या पावर होती है?
किसी व्यक्ति को हटाने की, टू फॉरफिट द प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की मेजरमेंट लेने की, इम्पोज कलेक्टिव फाइंस। तो देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपके बहुत सारे सीरीज में डाला है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि जो कलेक्टिव फाइन सामूहिक जुर्माना लगाने की जो पावर है वो स्पेशल कोर्ट को नहीं दी जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, तो इसमें आंसर है डी। अब कोर्ट कैन प्रेज्यूम दैट एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंसेस वॉज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी इफ सच एन ऑफेंस इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी के तहत अगर कोई कुछ ऑफेंस करता है तो वो अनटचेबिलिटी किसके अगेंस्ट होती है? मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के किसी मेंबर के अगेंस्ट, कोई भी कम्युनिटी है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, शेड्यूल कास्ट के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट अगर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तब कोर्ट उस केस को ले सकता है, ठीक है? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। इनमें से कौन सा रूल है 1995 का, SCST एट्रोसिटीज 1995 से, जो बोलता है कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं उनको आर्म्स लाइसेंसेस दे सकते हो? रूल 3(5), रूल 3(4), रूल 3(2) या 3(5), 3(6)? तो आंसर है इसका नियम 3(5) जो है, रूल 3(5) जो है वो इसके थ्रू पावर देता है कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर को आर्म लाइसेंसेस ग्रांट कर सकते हो। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एट्रोसिटीज रूल्स 1995 जो आए थे उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर की बात करी गई थी कि एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त करेंगे, तो वो स्पेशल ऑफिसर जो है वो किस रैंक से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? मतलब कम से कम उस रैंक का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या DYSP? तो आंसर है ADM, आंसर है बी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन से एक्ट के तहत स्टैचुटरी स्टेटस मिला था? आंसर है इसका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, आंसर है सी। DNA किसने डिस्कवर किया था? जेम्स वॉस्टन एंड फ्रैंकिस क्रिक, ग्रेगोर मेंडल, जॉनसन, हरगोविंद खुराना। आंसर है ए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। प्रेशर की यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन पर मीटर? आंसर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ए। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है? थायराइड कैंसर, सॉलिट्री, थायराइड नोड्यूल्स, गोइटर या थायराइडाइटिस? आंसर है सी, गोइटर। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल, डर्विन, मैरी क्यूरी, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ए, मेंडल। इनमें से देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स, फिलारिया लिम्फ नोड्स, एंसिफिलाइटिस हार्ट, ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स। तो इसमें जो सी है एंसिफिलाइटिस हार्ट, ये गलत है। एंसिफिलाइटिस किससे रिलेटेड होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनमें से देखना है कौन सा सही है, अशोका के रॉक एडिक्ट्स, तो जो उसमें इंस्क्रिप्शंस थे वो सबसे पहला ऐसा एविडेंस है बुद्धिज्म से रिलेटेड, फर्स्ट टेंजिबल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो पहला ऐसा एविडेंस है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो इसको सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था, इससे सबसे पहले समझने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम जोन्स। तो ये गलत है, विलियम जोन्स नहीं था, ठीक है? तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है, पहला ही सही है। तो आंसर है इसका ए, ओनली वन। तो इसको जो पहला जो व्यक्ति था जिसको समझने वाला था वो विलियम जोन्स नहीं, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। INS अरिहंत क्या है? एम्फीबियस वॉरशिप है, टॉर्पिडो लॉन्च, रिकवरी वेसल है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो आंसर है सी, ये परमाणु संचालित पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इनमें से देखने कौन सा करेक्ट है, पहली टेक्सटाइल मिल जो थी
वो कब्जे नाना बॉय ने शुरू करी थी मुंबई में 1853 में। पहली जूट मिल रिश्रा बंगाल में शुरू हुई थी 1855 में। तो दोनों ही विकल्प सही हैं, तो आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये कौन से बुक से लिया गया है? काठ उपनिषद, कथा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, चंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है बी, मुंडक उपनिषद। ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो थी वो कौन से क्रांतिकारी संगठन के द्वारा की गई थी? अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? आंसर है सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। डनकन पैसेज कहाँ है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान, मिनिकॉय मालदीव्स, मिनिकॉय अमनी अमिनी आइलैंड। आंसर है बी, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। इसमें देखना है हमें, मैच करना है, मृच्छकटिका किसने लिखी थी? मेघदूत, सूर्य सिद्धांत और मधुराक्षिका राक्षसा। मृच्छकटिका लिखी थी शूद्रका ने, मेघदूत लिखी थी कालिदास ने, टूका ए, सूर्य सिद्धांत लिखी थी आर्यभट्ट ने, मधुराक्षिका लिखी थी विशाखा दत्त ने। तो 1 का डी है, 2 का ए है, 3 का बी है और 4 का सी है, तो आंसर है ए। इसमें से कौन सी जो बायोडायवर्सिटी है वो हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न हिमालयस? तो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न हिमालयस भी ईस्टर्न घाट्स नहीं है, तो 1 एंड 2 आंसर है, आंसर है बी। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा जो सेक्टर है जिसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है? एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है? आंसर है ए, ऊर्जा क्षेत्र। 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसमें बोला गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए बनाया जाएगा, तो वो कैसे अपॉइंट होगा? ठीक है, तो वो होगा अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क, मतलब ब्रिटिश का जो राजा होगा उसके थ्रू नियुक्त होगा, लेकिन उसको एडवाइस कौन करेगा? डोमिनियन कैबिनेट, तो आंसर है सी। ठीक है, प्रभुत्व कैबिनेट के सलाह पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया, वो बनेगा गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और पाकिस्तान का कौन बना था? क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वो एक लीडरलेस मूवमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा जो जिसमें जो पूरा आंदोलन था वो किसके शासन में था? लोगों के, जनता के हाथों में वो आंदोलन सौंपा था। ठीक है, इसमें बोला तो गया था गांधी जी ने कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसमें हिंसा हुई थी और गांधी जी ने डू और डाई का पैसिव रेजिस्टेंट बोला था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है कि वो लीडरलेस मूवमेंट था, और दूसरा भी सही है कि उसमें वायलेंस हो गया था, ऑल दो गांधी जी ने डू और डाई पैसिव रेजिस्टेंट की मांग की थी। तो दूसरा सही आंसर है, बोथ आर करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है? संविधान में प्रधानमंत्री के चयन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, और प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद को परिषद को भंग कर देती है। तो दोनों ही सही है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। आर्टिकल 148 के तहत इसमें से कौन सा विकल्प है? ये जो आर्टिकल है ये है ऑफिस से रिलेटेड, कैग के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा नियंत्रक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से रिलेटेड है।
और इसमें बोला गया कि जो कैग है उसको प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव करा जा कर सकता है विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा की परमिशन से बिना ही वो उसको हटा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जो कैग है वो उसी तरह से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो आप बताइए। तो दूसरा तो हमारा गलत है, पहला सही है, आंसर है ए, ओनली वन। सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है, प्रशांत महासागरीय पेटी जो है, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? कि वो वॉल्केनिक रायम है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी हैं, सिस्मिक रायम है, भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बाउंड्री है, और यहाँ पे सुनामीज का खतरा रहता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, थर्ड हमारा गलत है कि डाइवर्जेंट जब दो प्लेट्स अलग अलग जाती हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, जब दो प्लेट्स मिलती हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा भूकंप ये सब आता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री। तो ये डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट प्लेट है, तो थर्ड गलत है। 1, 2, 4 सही है, आंसर है बी। ज्वार के संदर्भ में देखना है कि कौन सा सही है, ये सन और मून, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टाइड्स हैं, सबसे ज़्यादा ज्वार जो है वो कनाडा में बे ऑफ फंडी में आता है, नोवा स्कॉटिया। तो ये दोनों ही सही है, ये ग्रेविटेशनल पुल सन और मून की वजह से होता है और अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वजह से होता है, तो तीनों की वजह से होता है और दूसरा भी सही है, तो दोनों विकल्प हमारे सही है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। तो दोस्तों ये आज के थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और जिसको भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसको भी इन क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।